This morning, I received a call from a parent saying that, you know, my child has become very arrogant, very violent, hitting the other children. Even he shows tantrums at home. He's not taking any instructions, dislikes writing. He reads well but doesn't want to read. What do I do? I'm sure there are many parents who are going through this similar problem, and I believe that there is no one word answer to this, purely because the behavior of the child is a collection of a lot of other things that the child goes through. मतलब बच्चा ऐसे क्यों बिहेव करता है उसका कोई एक कारण नहीं है. उसका चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा है, वो किस ट्रिगर पॉइंट पे ऐसा बिहेव करता है, उसे राइटिंग पसंद नहीं है तो क्यों नहीं है, उसे राइटिंग करने में क्या चैलेंज है, उसे रीडिंग करने में क्या चैलेंज है, वो बच्चों को मार क्यों रहा है दूसरे बच्चों को फॉर नो रीज़न, और ये सब करके भी उसे क्या मिल रहा है. उसे सिर्फ सबसे गुस्सा, सब उससे परेशान, सब उससे उसको नेग्लेक्ट कर रहे, यही मिल रहा है. तो क्या आपको लगता है ये बच्चा ये सब जानबूझ के कर रहा है? और मेरा ये मानना है कि बच्चे को तो हेल्प चाहिए, उससे ज़्यादा हेल्प चाहिए हमारे टीचर्स और पेरेंट्स को इन बच्चों को समझने के लिए. और उसे समझने के लिए हम अचानक से उन्हें कोई किताब लेके 10 बार लिखो, 5 बार लिखो, आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा. उन्हें समझने के लिए हमें बच्चे को समझना पड़ेगा, हमें बच्चे की इमोशनल कंडीशन को समझना पड़ेगा, और तब जाकर हम उस बच्चे की मदद कर पाएंगे. या उसके लिए एक टिप है, मैं आपको एक्चुअली आपको 2 या 3 टिप्स दूंगी. एक है ऑब्जर्वेशन. उसे जितना ऑब्जर्व कर सके ऑब्जर्व करिए, और जितना आप कम बोल सके ऐसे बच्चों के साथ कम बोलिए और ज़्यादा सुनिए. बच्चे को बोलने का मौका दीजिए, बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए, जिससे वो उसका एंगर, एग्रेसिवनेस जो वो दबा दबा के फिज़िकली निकाल रहा है वो वर्बली निकाल पाएगा. ठीक है? और अगर आपको अपने बच्चे के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है तो मैं एक लिंक डाला है नीचे, आप उसको क्लिक कर सकते हैं. यू कैन हेल्प योर चाइल्ड. थैंक यू. बाय बाय.